सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड यू आर वाचिंग जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पॉपी सीड्स हलवा, या इसे खसखस का हलवा भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे बनाने के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खसखस ली हुई है और एक ग्लास हमने वाटर लिया है। सबसे पहले एक बाउल में हम खसखस डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा जो खसखस है उसे बाउल में डाल दीजिए। फिर हम उसमें वाटर डाल देंगे। वाटर डालकर हमें इस खसखस को ओवरनाइट यानी कि 6 से 7 घंटे हमें इसे पानी में भिगा करके रखना है। तो यहाँ पे मैं इसे सारी रात के लिए भिगा कर रख दूँगी। इसे पूरी तरह से मिक्स कर दीजिए वाटर में और इसे ढक करके रख दीजिए। फिर मैं ले रही हूँ चीनी 150 ग्राम, देन घी 4 से 5 टेबलस्पून और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के। देखिए अब दूसरे दिन मैं इस खसखस का वाटर पूरा निकाल लूँगी और इसे मिक्सर के जार में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, जस्ट ऐसे ही पानी से खसखस को निकाल लीजिए पूरी तरह से और फिर इसका एक फाइन सा हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे पीसूंगी मिक्सर में और इस तरह से मैंने इसका बहुत ही अच्छे से पेस्ट बनाया है। जिन लोगों को नींद वगैरह नहीं आती उनके लिए हलवा बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये एक हफ्ते तक फ्रिज में रह जाता है, फ्रिज में आप रख सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पर अब मैंने गैस पे एक बर्तन रखा है मीडियम फ्लेम पर। इसमें हम देसी घी डाल देंगे, ये करीब करीब 5 टेबलस्पून देसी घी है। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें ये खसखस का पेस्ट डाल दूंगी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जिनको माइग्रेन पेन वगैरह रहता है या जो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हो, किसी भी एज के बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, इसे खा सकते हैं। और डिलीवरी वगैरह के बाद में लेडी से भी इसे खा सकती हैं। ये देखिए घी में हमें इसे कंटिन्यूस स्टर करना है, पकाना है। कम से कम 30 से 40 मिनट तक हमें इसे घी में सेकना पड़ता है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये सब कुछ मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है बॉडी में, बहुत ताकत महसूस होती है, फेस पे ग्लो आता है। और आप इसे बना करके एक हफ्ते तक के लिए फ्रिज में रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा 2-2 टेबल स्पून खाते रहिए। इसमें मैं चीनी डालूंगी। अभी चीनी मैं यहाँ 150 ग्राम डाल रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। फिर मैं इसे मिक्स करूँगी जब तक कि चीनी की चाशनी ना बन जाए। हम इसे मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर चीनी की चाशनी बन गई है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, इसे भी हम मिक्स कर देंगे और हमें 5-7 मिनटों तक इसे ऐसे ही पकाना है। फिर ये देखिए दोस्तों हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे एंजॉय कीजिए और इसे फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।